नामवर अदाकार मोहम्मद राना मौजूद हैं। फ्यूचर अब ब्राइट होगा क्योंकि जिनको काम नहीं आता था वो निकल गए। चाची की नसीब ही कोई फिल्म चल नहीं रही। अच्छी फिल्म बनाए और फिल्म बनाए। आप ड्रामा बना के कहते हो ऊपर पर्दे पे बड़ा लगा के ये फिल्म है, तो आई एम वेरी सॉरी। जब तक गवर्नमेंट आपको इंडस्ट्री का दर्जा नहीं देगी, आपको लोन्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे प्रोड्यूसर तो वो बस ऐसे चाह रहा है कि या अल्लाह चल जाए, या अल्लाह चल जाए। कितने को पटा चुके हैं और किसी ने दिल तो नहीं तोड़ा? नहीं, बल्कि मैंने ही तोड़े होंगे मेरे ख्याल से। सैमा को अवार्ड मिला, आई वॉज वेरी हैप्पी कि वो बिल्कुल हकदार। मैंने दो फिल्में उनकी देखी थी तो मैंने सोचा उनको तब मैं इम्तियाज दे दूँ। दो फिल्मों पर मिले। आई डोंट नो एक क्राइटेरिया क्या है गवर्नमेंट के अवार्ड्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शजुद्दीन। नाज़रीन, आज हमारे साथ लॉलीवुड के नामवर अदाकार मोहम्मद राना मौजूद हैं। इनसे होंगी चटपटी बातें और इनसे पूछेंगे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के फ्यूचर और कैरियर के हवाले से। मोमी भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए, ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक। मोमी भाई, घर से आप क्रिकेटर बनने आए, तो क्या ऐसा हुआ कि आप एक्टर बन गए? बस सिर्फ एक ही फ़र्क आया, क्रिक और एक्ट का, डर तो दोनों में। तो चूड़ियों से लेके अब तक आपने सैकड़ों फिल्मों में काम किया, आपके लिहाज से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जो मौजूदा हालात हैं, जो आप देख रहे हैं कि ख़ास तौर पे लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री के, इस हवाले से आपको रोना नहीं आता? नहीं, मैं ये समझूंगा कि फ्यूचर अब ब्राइट होगा क्योंकि जिनको काम नहीं आता था वो निकल गए, वो चले गए। क्योंकि जब आप फिल्म लगाते हो तो फिर फिल्म बीन जो देखने आते हैं अगर वो आपको ना कर दें तो फिर आप यू आर नो मोर। और दूसरा मैं ये कहूँगा, आपने अभी कहा स्पेशली लाहौर इंडस्ट्री का, तो कराची की इंडस्ट्री भी कोई फिल्म चल नहीं रही। जितनी भी फिल्में लगी हैं अभी आप देखें, किसी का 15 लाख का वीक है, किसी का 5 लाख का वीक है। क्योंकि वो मोस्टली मैं ये समझता हूँ, बिकॉज आई लव माई पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, मैं उसमें कराची लाहौर नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अच्छी फिल्म बनाएं और फिल्म बनाएं। आप ड्रामा बना के कहते हो ऊपर पर्दे पर बड़ा लगा के ये फिल्म है, तो आई एम वेरी सॉरी कि जिसको रात को आप ड्रामे में देख रहे हैं उसको आपने पैसे खर्च करके भी देखना जाके, तो वो लोग नहीं जाते। और टीवी का डायरेक्टर और होता है, फिल्म का डायरेक्टर और होता है। टीवी के डायरेक्टर ने करने होते 300 सीन, ठीक है ना, और फिल्म के डायरेक्टर ने करने होते 75-70 सीन, कि उसके अंदर सम अप करनी है स्टोरी। सो आई थिंक इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है। मैंने अपनी खुद भी फिल्म शुरू करने लगा हूँ, मैं ये गोगा लोहरिया और ये वाली फिल्म्स अपनी जो है ये ख़त्म कर लूँ ताकि पूरी तवज्जो मैं उस पर दे सकूँ। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ पंजाबी फिल्म टू बी रिलीज वर्ल्ड वाइड इंशाल्लाह। मुंबई, ये बताएं कि देखें 10 से 15 फिल्मों की डेली हमारी पंजाबी फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी, आज से 2-3 साल पहले, और आप बड़े मसरूफ़ थे, शान भी बड़ा मसरूफ़ था। प्रोड्यूसर्स को ऐसा क्या एकदम हुआ कि वो सारे ही एकदम चुप हो गए, घर चले गए, और उन्होंने आपको, आप लोगों को पलट के देखा ही नहीं है? इतनी अच्छी बात की आपने कि वो प्रोड्यूसर्स हमें छोड़ के चले गए, और वही प्रोड्यूसर्स टीवी पे आके बोल रहे होते भैया आप खुद तो शुरू करो पहले। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ एवेन्यू स्टूडियो के जो मालिक हैं, इनको कहें ना फिल्म बनाएं, क्यों नहीं बना रही है फिल्म? तो ये लोग फिल्म शुरू करेंगे तो लोग आएंगे ना। ये तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं जैसा गोगल औरिया और ये बशीरा गुजर, फिर उसके अलावा जो मैं खुद अपना कर रहा हूँ, हम लोग तो अपने आप पर चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह, चले आप छोड़ें सब कुछ, आप मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट ने कभी हम लोगों को इंडस्ट्री माना? कभी किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं माना। जब तक गवर्नमेंट आपको इंडस्ट्री का दर्जा नहीं देगी, आपको लोन्स नहीं मिलेंगे। आप देखें आपके हमसाया मुल्क में कितने लोन्स मिलते हैं, उनके जब एंड क्रेडिट्स आते हैं वो लोग ही नहीं ख़त्म होते हैं, कितने स्पॉन्सर हैं, तो वहाँ पे तो प्रोड्यूसर जीरा है। यहाँ पे प्रोड्यूसर तो वो बस ऐसे चाह रहा है कि या अल्लाह चल जाए, या अल्लाह चल जाए, दैट्स इट। अच्छा मुंबई, ये कहते हैं कि जब एक ग्रुप जाता है गवर्नमेंट के पास फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए, उसके पीछे एक और ग्रुप फिल्म इंडस्ट्री से उठ के चला जाता है, वो कहते हैं जी ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, इसमें गलती किसकी है? इन सब की है ना जी, एक नहीं है आपस में, एक जेन्युइन बंदा आप अलॉट करें उसके लिए, और स्पेशली मैं ये कहूँगा पढ़ा लिखा जो जाके वहाँ पर डिलीवर कर सके, बता सके कि जी हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, हमें ये प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ पर जाके मोस्टली होता ये है कि जी आप मुझे पैसे दे दें, मैंने ये फिल्म बनानी है, आप मुझे ये दे दें, मैंने ये फिल्म बनानी। ओ भाई आप इंडस्ट्री के लिए सोचो, इंडस्ट्री के लिए आप कैमराज इंपोर्ट करवाओ, आप ये करो वो करो, आप पैसा मांगने क्यों जा रहे हो? पैसा नहीं देगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट कर सकती है। आप जाके पैसा मांग लेते वहाँ पे, अगला कहता भाई जाओ अस्सलाम वालेकुम। इतनी फिल्में की प्रस्तार भी बहुत हैं, कितने को पटा चुके हैं और किसी ने दिल तो नहीं तोड़ा? नहीं, बल्कि मैंने ही तोड़े होंगे मेरे ख्याल से। कितने की दिल तोड़े ये आप उनसे पूछे जाके सबसे।
आयजा खान और मैवशियात में से कौन सी अदाकारा की आपको अदाकारी? एक्चुअली मैंने दोनों का काम नहीं देखा, सॉरी टू से, लेकिन मैंने मैविश का सुना ज़्यादा, यही सुना मैंने। शान अच्छा अदाकार है, मायों सईद अच्छा अदाकार है, कई या मोमर राना अच्छा अदाकार? शान, इज माई सीनियर जी, मैं इज्जत करता हूँ उसकी। मोबी भाई, फिल्मों से हटके ज़रा आपकी ज़ाती लाइफ पे भी आते हैं, तो फनी ज़िंदगी में क्या करते हैं? मैं पूरी मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी बेटियों को टाइम दूँ, और उसके अलावा जारी बात है जिम तो मेरा रोज़ ही होता है, और उसके बाद अगर आप मुझसे पूछें तो मैं प्ले स्टेशन बहुत खेलता हूँ, गेम्स बहुत खेलता हूँ। लोग यही कहते हैं कि यार ये बचकाना हरकतें हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितना नॉलेज आपको गेम्स से मिलता है, जो सॉफ्टवेयर है, जो उनकी लाइटिंग है सारा, वो आप सीखते हो गेम खेलते हुए, और आपके रिफ्लेक्सेस बहुत तेज़ होते हैं, तो जिसने जो बोलना है वो तो लोग बोलते रहेंगे, मुझे कोई परवाह नहीं किसी की। तो ये बताएं कि क्रिकेट की प्रैक्टिस बिल्कुल छोड़ दी है? आजकल तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज कोविड जब से आया था तो बिल्कुल ग्राउंड जाना बंद हो गए थे, लेकिन अब इंशाल्लाह अब जब मौसम अच्छा हो, मतलब मौसम बुरा हुआ है, गर्मी आई है, तो कोविड से निजात मिली। मम्मी भाई ये बताएं कि आप जो दो तीन मरतबा शुरू की फिल्में एज ए डायरेक्टर, तो फिर क्या ऐसा हुआ कि वो ड्रॉप होंगी फिल्में, और आप कर रहे हैं कोई एज ए डायरेक्टर? बिल्कुल जी, मैं कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह अभी आपको मैंने बताया, तो वो ड्रॉप किसी वजह से ही होती हैं, वो आपको वजह बता नहीं सकते हम, क्योंकि कई चीज़ें गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ चली जाती हैं या किसी के ख़िलाफ़ चली जाती, तो यहाँ पे जैसा हम लोग कहते हैं ना, बहुत डेमोक्रेसी चाहिए, तो आई थिंक डेमोक्रेसी नहीं है। अच्छा मम भाई, ये बताएं कि ये जो आजकल अवार्ड मिल रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से, आप क्या मुतमिन हैं कि ये जो अवार्ड फनकारों को दे रहे हैं, जैसे देखें अदाकारा मीरों को अवार्ड मिल गया, ठीक है, अब एक दो और ऐसे स्टार्स हैं, आप मुतमिन हैं कि हकदारों को उनका हक नहीं मिल रहा? नहीं, मैं बिल्कुल मुतमिन नहीं हूँ, हकदारों को हक मिलना चाहिए, और अभी जिस तरह सैमा को अवार्ड मिला, आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि वो बिल्कुल हकदार थी, है उस अवार्ड की, और उसके अलावा मैं किसी का सुन रहा था, नाम नहीं लूँगा, कोई हमारी गवर्नमेंट के ही हैं कि जी मैंने दो फिल्में उनकी देखी थी, तो मैंने सोचा उनको तब मैं इम्तियाज़ दे दूँ, दो फिल्मों पर मिले, अगर उन्होंने 370 फिल्में 400 फिल्में करके बैठे हुए हैं, और उसमें सोलो हिट्स भी, मतलब आई डोंट नो एक क्राइटेरिया क्या है गवर्नमेंट के अवार्ड्स का, जिस तरह मैंने बाकी अवार्ड्स में जाना छोड़ दिया था, तो मेरा दिल करता कि शायद मुझे भी बुलाएं तो मैं ना जाऊँ, शायद शायद। वो कौन सी अदाकारा है, पता तो है सबको, लेकिन आप अगर बता दें जिसको दो फिल्मों पे वो सबको पता जी। मम्मी भाई, जाते जाते टीवी टुडे के प्रस्तारों को क्या पैगाम दें? मैं तो यही कहूँगा जी, लव पाकिस्तान एंड लव योरसेल्फ और कीप योरसेल्फ फिट और जस्ट कीप ऑन लविंग मी एंड कीप ऑन लविंग माय पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। थैंक यू। नाज़रीन, ये थे हमारे लॉलीवुड के नामवर अदाकार मोमर राना, जिनसे आपने उनकी चटपटी बातें सुनी। अब अपने मेज़बान शहीउद्दीन को इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में नए फनकार नई शख्सियात के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।